ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो हाई टी पर। हाई टी में आज हमने बहुत सारी सैर करी, इंग्लैंड गए, फिर वापस इंडिया आए, अब हम जा रहे हैं स्वीट बंगाल। बंगाल की जो मिष्टी है वो बहुत फेमस है। अगर कोई भी मेरा दोस्त बंगाल जाता है, मैं उससे बोलता हूँ यार थोड़ा सा काचा गोला ले आना, थोड़ा सा ये ले आना, और बहुत सारा संदेश मैं भेजता हूँ, संदेश मंगाता भी हूँ। वैसे संदेश भेजना मेरा सिर्फ एक लेटर होता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, लेकिन जो संदेश आता है वो बहुत कमाल का होता है। अगर बंगाल की बात हो और संदेश की बात ना हो थोड़ा अजीब लगता है। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ बंगाल। हम बनाएंगे संदेश, लेकिन एक केसरी संदेश। संदेश एक्चुअली बनता है छेना से, छेना बनता है गाय के दूध से, और पनीर बनता है भैंस के दूध से। तो ये जो रेसिपी है वो हम बनाएंगे पनीर से। सबसे पहले पनीर के चंक्स काट के हम डालेंगे फूड प्रोसेसर में। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा, मिल्क पाउडर, पिसी हुई चीनी, वैसे संदेश बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि उसमें जो फ्रेश छेना होता है उसे मलना पड़ता है बहुत अच्छी तरह पाउडर चीनी के साथ। उसमें मिलाते हैं कंडेंस मिल्क, और वो जो प्रोसेस है हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस फूड प्रोसेसर की हेल्प से। अब ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा रनी है, इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह, और पका के इसे हम सेट करेंगे फ्रिज के अंदर। इस मिक्सचर को हम डालेंगे एक कढ़ाई में या पैन में। ये संदेश का मिक्सचर आपको पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। ध्यान रखिएगा इसमें कंडेंस मिल्क है, साथ ही पनीर है, तो इसके लम्स बहुत जल्दी बन सकते हैं, इसलिए कंटिन्यूअसली इसे हिलाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे मॉइस्चर सूखता जाएगा वैसे वैसे ये मिक्सचर टाइट होता जाएगा, थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। अब इस स्टेज पे हमें संदेश को निकालना है। एक ऐसी एल्यूमिनियम की ट्रे है मेरे पास, उसमें मैं इसे एम्प्टी करूंगा, खाली करूंगा। और इसको फ्लैट कर देंगे। जैसे बर्फी के मोल्ड में बर्फी बनाई जाती है वैसे ही ये केसरी संदेश इसमें सेट हो रहा है। ऊपर से इस मिक्सचर को अच्छी तरह से स्मूथ कर लीजिए ताकि जब आप काटेंगे तो इवन आएगा ये पूरा शेप इसका। और इसको इस तरह से फ्लैट करने के बाद ये गरम पानी में मैंने सैफरन को डाला है और गहरा सुनहरी कलर इसने अब छोड़ दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, ये प्लेन संदेश हमने बना लिया है, ये अभी गरम है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, प्लेन खा सकते हैं, ठंडा करिए, काटिए और खा जाइए। लेकिन ये केसरी डबल लेयर संदेश के लिए मैंने कंडेंस मिल्क में थोड़ा सैफरन को पहले भिगोया है और उसको थोड़ा सा थिक करने के बाद अब मैं इसके ऊपर जैसे केक की आइसिंग होती है वैसे ही आइसिंग करूंगा। थिक और स्मूथ मिल्क मेड की वजह से इस नॉर्मल प्लेन संदेश को अब एक केसरी ट्विस्ट मिला है, एक केसरी टॉपिंग मिली है। 2 से 3 घंटे तक इसे ठंडा करेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। संदेश को हमने रेफ्रिजरेट किया है 20 से 25 मिनट तक, सेट हो गया है। अब उसे निकालते हैं और फटाफट सर्व करते हैं। वेल, कहा जाता है कि संदेश मिठाइयों का राजा है क्योंकि इतना सॉफ्ट, इतना क्रीमी, इतना डिलिशियस,
ये रेसिपी अब आपकी। केसरी संदेश बनाने के लिए 500 ग्राम पनीर, 1 कप कंडेंस्ड मिल्क और 4 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, 10 ग्राम मैदा, 30 ग्राम मिल्क पाउडर, 20 ग्राम पाउडर्ड शुगर, 1 बड़ी चुटकी केसर। केसरी संदेश बनाने के लिए पनीर के छोटे चंक्स काट ले और एक फूड प्रोसेसर में डाले। साथ में डाले कंडेंस्ड मिल्क, मैदा, मिल्क पाउडर, पाउडर शुगर और ब्लेंड कर ले। एक नॉनस्टिक पैन गरम करें, उसमें डालें ब्लेंड किए हुए पनीर का मिश्रण और अच्छे से मिलाएं और गाढ़ा होने तक लगातार चलाते हुए पका लें। फिर इस मिश्रण को एक एल्युमिनियम ट्रे में फैलाएं और सतह को एक स्पैचुला की सहायता से समान कर लें। 3 बड़े चम्मच पानी गरम करें, उसमें डालें केसर और अच्छी तरह घुलने दें। फिर उसमें डालें 4 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क और गरम करें। फिर ये केसर का मिश्रण एल्युमिनियम ट्रे पर फैलाएं और रूम टेम्परेचर तक ठंडा करके 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रखें। चौकोर में काटें और परोसें। हमने आज बनाए ब्यूटीफुल लेमन बटर कुकीज, साथ ही हमने बनाया केसरी संदेश और बढ़िया इनोवेटिव रागी कटलेट्स। आई एम श्योर आपको ये रेसिपीज बहुत पसंद आई होंगी। तो अगली बार तक के लिए अलविदा, सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन हाई टी।